हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आजकल आपको वेट लॉस टिप्स दे रही हूँ। आज टॉपिक है वेट गेन का, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि दी वेट गेन के लिए कुछ बताओ, आप तो वेट लॉस के लिए बताती हो। तो गाइज, मैं अभी वेट लॉस कर रही हूँ, इसी वजह से वेट लॉस के लिए बताती हूँ। बट वेट गेन कौन कर रहा है आपको भी पता है, ये वेट गेन कर रहा है क्योंकि इनकी जब तबीयत खराब हो गई थी उस टाइम इनका बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ था, तो इसी वजह से उस टाइम से इनका वेट गेन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए अभी वेट गेनिंग के लिए ये ट्राई कर रहे हैं। हम दोनों ने भी जिम ज्वाइन किए हैं, आप लोगों को तो पता ही है, तो इसीलिए मैं आपके साथ अभी जो भी कुछ जिम वाले मुझे बता रहे हैं वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपके डाइट में हाई प्रोटीन चीजें होनी चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, जैसे कि अंडे, मटन या चिकन, ये सारी चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए, पनीर भी, और डेयरी आइटम होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए, तभी आपका वेट गेन होगा। और आप ये भी कर सकते हो, मूंगफली वगैरह भिगो के खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो वेट गेन करने के लिए। रात को मूंगफली भिगो के रख दो और सुबह वो खा लो खाली पेट, उससे भी वेट गेन होता है जल्दी। उसके बाद ये अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, नॉन वेज खाओ, उससे वेट गेन होगा। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम ज्वाइन करो अगर आपसे हो सकता है तो, आपका वेट जल्दी पुट ऑन होगा। और आप मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा बल्कि दिखोगे, आप शेप में दिखोगे, और उसके बाद आप अच्छा डाइट लो, उससे भी आपका वेट जल्दी पुट ऑन होगा। और उसके बाद वहां पर आपको प्रोटीन लेने के लिए बोला जाता है, प्रोटीन वाली चीजें भी खाओ, और आपका अगर प्रोटीन इनटेक कम है तो आप प्रोटीन भी लो, मास गेनर वगैरह लेने के लिए बोला जाता है। मतलब आप जो भी डाइट लेते हो ना वो कम ही पड़ जाती है आपको, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, लेते भी हो तो आपको वो कम पड़ती है, आपकी बॉडी को वो लगती नहीं है, तो इसी वजह से वहां पर प्रोटीन लेने के लिए बोला जाता है, तो मास गेनर वगैरह। तो इसी वजह से मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट लेके आई हूँ, ये जो है नेचर श्योर का डबल मास मतलब वेट गेनर है, ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। अभी तो फिलहाल ये ले रहे हैं, आप वुमेन हो तो आप भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों के लिए बनाया है और ये नेचुरल हर्ब से बनाया है, तो इसी वजह से कोई टेंशन नहीं है कि आपको कोई साइड इफेक्ट होगे। बट फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके इसे लीजिए, मतलब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, आपके डॉक्टर को दिखाइए फिर लेना स्टार्ट करिए। और इसमें आपको 90 टैबलेट्स मिल जाती है, आपको इसकी एक या दो टैबलेट्स दूध के साथ लेनी है तब जाके आपका वेट गेन होगा। गाइस, पानी के साथ मत लेना, दूध के साथ लेना, इस पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि दूध के साथ ही लेना है, तभी जाके आपका वेट गेन होगा। मतलब आप शेप में दिखोगे, आपका वेट थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, आप अंडर वेट हो तो बहुत ही ज्यादा सुकड़े दिखते हो, कोई भी आपको मतलब लाइटली लेता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आप वेट पुट ऑन करोगे तो कोई भी आपको लाइटली नहीं लेगा, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना जरूरी होता है। अगर आप अंडर वेट होते हो तो बच्चों जैसे लगते हो, इसी वजह से आप बड़े कभी होते ही नहीं हो, तो थोड़ा सा ना वेट पुट ऑन करना भी जरूरी होता है। जैसे ज्यादा ही वेट हो गया है तो वेट लॉस करना जैसे जरूरी होता है, वैसे अगर अंडर वेट हो तो वेट पुट ऑन करना भी जरूरी होता है। तो आपको ये लेना है और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है। अगर जिम जाने लगते हो तो वो तो बेस्ट है, बट अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। इसे लेने के बाद आपको घर पे वर्कआउट करना है तो ही आपका अच्छे से वेट गेन होगा और आप शेप में दिखोगे। आप अगर अंडर वेट हो तो आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं वो तो आपको ही पता है, इसी वजह से आप मुझसे पूछते रहते हो कि दी वेट गेनिंग के लिए कुछ बताओ। तो डियर, आप ये ले सकते हो, ये नेचर श्योर का डबल मास है, यहां से आप देखो ये बहुत ही पतले है और उसके बाद ये मोटे, इस तरह से नहीं हो गया आप, फिर भी आप अपने शेप में अच्छे से शेप में आ जाओगे। अगर आप सोचोगे कि बस यही लेने से वेट गेन होगा तो नहीं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ भी एक्सरसाइज करो, वॉकिंग स्टार्ट कर दो, बस वो एक्सरसाइज करो और उससे आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके खाने से आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है और उसके साथ साथ आपकी मतलब डाइट इंटेक भी बढ़ती है, जैसे कि आप ज्यादा थोड़ा सा खाने लगते हो पहले से। इसमें बहुत ही अच्छे पावरफुल हर्ब्स है और उसके साथ साथ प्रोटीन भी है, मतलब आपके बॉडी के लिए बहुत सही है, ये कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है, बहुत अच्छा है अंडरवेट मेन एंड वुमेन के लिए, तो आप ट्राई जरूर कर सकते हो इसे। आपने इतनी सारी चीजें ट्राई की होगी फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा होगा, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये अभी इसे ही ले रहे हैं तो इनको भी दिख रहा है, उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये टैबलेट, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स है, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, उसके बाद सफेद मूसली, उसके बाद वे प्रोटीन, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों से ये मास गेनर बना है। तो गाइस इसे ट्राई जरूर करना, लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे दिया है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अगर नहीं पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकॉन आता है उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मैं इधर वीडियोस अपलोड करूं और उधर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल है गाइस, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।